और फूड्स एंड फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ऑमलेट करी। एग करी तो आप अक्सर बनाते हैं, कभी आप ये ऑमलेट करी भी ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो आइए देखते हैं किसको कैसे बनाया जाता है। ऑमलेट करी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 अंडे, जिससे कि हम 2 बड़े ऑमलेट बनाएंगे। ऑमलेट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा हरा धनिया, महीन कटी हरी मिर्च और थोड़ा सा महीन कटा प्याज। करी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे अदरक और लहसुन। यह करीब 1/2 इंच कसा हुआ अदरक और 6 से 7 महीन कटी लहसुन है। यह है 2 लंबी पतली कटी हुई हरी मिर्चें। यह है 2 टमाटर जिनको हम महीन काट लेंगे। यह है 1 कप महीन कटा प्याज। हमें चाहिए होगा थोड़ा सा तेल। मसालों में हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा सा नमक। तो आइए सबसे पहले हम ऑमलेट बनाएंगे। इसके लिए मैं 2 अंडों को बाउल में तोड़ूंगी। आप यहाँ पर एक बार में 3 अंडों का ऑमलेट भी बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कटी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि करी में बाद में हम नमक मिलाएंगे। और अब एग को अच्छे से बीट करेंगे जिससे ऑमलेट अच्छा फ्लफी बनेगा। अब ये तैयार है, आइए ऑमलेट बनाते हैं। इसके लिए पैन को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म किया है। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इस पर फेटा हुआ अंडा डालेंगे और फैला देंगे। अब इसको थोड़ी देर सेकेंगे और अब स्पैटुला से एग को अंदर की ओर फैला देंगे, जिससे कि एक सार और अच्छे से पक पाएगा। अब हम इसकी चारों तरफ हल्का सा तेल डालेंगे और थोड़ी देर सिकने देंगे। ये देखिए अब ऑमलेट बनकर तैयार है। हम स्पैटुला की हेल्प से इसको एक साइड से फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये देखिए इसे हल्के हाथों से इस तरह से रोल करें और आखिर में इसको हल्के से दबा दें, जिससे इसकी लेयर आपस में चिपक जाएंगे। ऑमलेट रोल अब तैयार है, हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा ऑमलेट रोल भी तैयार कर लेंगे। हमारे ऑमलेट रोल्स तैयार हैं, आइए इसको काट लेंगे। हम इनको करीब 1/2 इंच के पीसेस में काटेंगे। अब यह भी तैयार है और आइए अब हम ग्रेवी बनाते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म किया है। हम इसमें 1/4 कप तेल का डालेंगे और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसको तेल में हल्का सा भुनने देंगे। अब इसमें महीन कटी प्याज डालेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज को भुनने में करीब 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। आप बीच बीच में इसको चलाते रहें जिससे कि ये जले नहीं। ये देखिए प्याज अब हल्की सुनहरी हो गई है। हम इसमें कटी हुई अदरक लहसुन डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसको भी प्याज के साथ भुनने देंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे जिससे कि प्याज जल्दी भुन जाएगी और इसको फिर से मिलाएंगे। जब आप देखें कि प्याज ने इस तरह से तेल छोड़ दिया है और वे अच्छे से भुन गई है, इसमें मसाले डालेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इनको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें महीन कटे टमाटर डाल देंगे। सभी को फिर से मिक्स कर दें और इसमें करीब 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे, जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं। हम टमाटरों को हल्का सा स्पैटुला से ऐसे दबा देंगे और इनको सॉफ्ट और मुशी होने तक पकाएंगे। तो आप इनको इस तरह से दबाते रहें और चलाते रहें जब तक ये पूरी तरह पक ना जाए। इनको पकने में करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। हम इसको बीच बीच में कई बार चलाएंगे जिससे कि मसाला चलेगा नहीं। आप देखिए कि मैं टमाटरों को 5 मिनट से पका रही हूँ और इसने तेल छोड़ दिया है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और भूनेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इस ग्रेवी को मसाले को पीस कर भी बना सकते हैं। हम इसमें एक बार फिर से पानी डालेंगे और भूनेंगे और ग्रेवी को हम एकदम स्मूथ होने तक पकाएंगे, जिससे कि खाते समय प्याज और टमाटर मुंह में ना आए। अभी भुनकर तैयार है। अब देखिए इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। हम इसमें करीब 3/4 कप पानी का डालेंगे, इसको ढक देंगे और आंच को मीडियम फ्लेम पर करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक ढककर ही पकने देंगे। अब करीब 4 मिनट हो गए हैं, आप देखिए कि ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो रही है। हम आंच बंद कर देंगे और अब हम इसमें ये ऑमलेट के पीसेस डालेंगे। यहाँ आप ग्रेवी को हल्का थिकी बनाएं, उसको पतला ना करें तो ये टेस्ट में ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके ऊपर हम ये कटी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा महीन कटा हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए हमारी ऑमलेट करी बिल्कुल बनकर तैयार है।
आइए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है और इसमें कितना बढ़िया लाल रंग आया है क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया था। आप ऑमलेट करी को सादा रोटी, रुमाली रोटी, मिस्सी रोटी या फिर जीरा राइस किसी के साथ भी सर्व करें, यह बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप यह ऑमलेट करी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।